हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड ब्लॉग्स। तो कैसे इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है। और आप सभी को पता है कि आज का जो वीडियो मेरे चैनल पर जाना था वो ऑलरेडी मैं मेरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूं। तो ये जो वीडियो आएगा ये बिल्कुल भी प्लान्ड वीडियो नहीं है, और जस्ट जो ये इतनी बड़ी जो घटना, दुर्घटना क्या उसे कहा जाए, हादसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत ही किया गया है। मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा ये जो वीडियो है ये बनाना सही है या गलत है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन एक माँ होते हुए जब ये सारी जो घटना है या जो भी ये हुआ है उसको देखने, उसको सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई इस वीडियो को बनाने से। तो बस एक माँ होने के नाते यहाँ मैं आप लोगों से मेरे दिल का वो जो डर कह लीजिए या दर्द कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बस वही मैं यहाँ पर अपने ही जैसी और भी उन माओं के साथ में शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जिन्होंने भी इस घटना को देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ पे या जहाँ पर भी। तो मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हरियाणा के एक गांव में हुए एक छोटे से बच्चे, यानी 4.5-5 साल का एक छोटा सा बच्चा जस, उसकी जो हत्या हुई है अभी कुछ 10-12 दिन पहले, तो उसके बारे में मैं यहाँ आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है। मतलब कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा है। पिछले 10-12 दिनों में भी ये चीज़ क्लियर हो ही नहीं पा रही है, पुलिस को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ उस बच्चे के साथ। पहले जो स्टोरी आई उसमें ये था कि जो बच्चा है उसको किडनैप किया गया था, तो 2-3 दिन तक जो है वो पुलिस उस बच्चे को ढूंढ रही थी कि बच्चा कहाँ गया। और अचानक से उसी बीच में, जब पुलिस का इतना वहाँ पर पहरा है, सब कुछ है, उसी बीच में उस बच्चे की जो डेड बॉडी है वो उसके किसी पड़ोस वाले घर की छत से जो है वो मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आज बोलते हुए। कभी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कोई वीडियो मैं मेरे चैनल पर बनाऊंगी। मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि ऑन कैमरा कभी मेरी आंखों में आंसू ना आए, लेकिन मतलब मुझे सच में समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ भी क्लियर ही नहीं हो रहा है। पहले एक स्टोरी आई कि शायद कोई बाबा, या बाबा इन द सेंस कि कोई जो तांत्रिक वगैरह है, यानी कि जो जादू टोना या जो भी किया जाता है उसका कोई मैटर था, तो किसी जो बाबा है यानी कि जो तांत्रिक है उसने उसको किडनैप किया। उसके बाद में एक और नई थ्योरी निकल करके आई कि उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी सो कॉल्ड चाची, मतलब रिश्ते में वो चाची नहीं लगती है, वैसे ही होता है ना कि गांव में आस पड़ोस में आपके जो भी लेडीज रहती हैं तो उसको आप क्या बोलो। आज शहरों में तो हम नॉर्मली जो बच्चे हैं वो अंकल आंटी कहकर काम चला लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था, अब तक हमें ऐसा लगता था कि गांवों में शायद आज भी जो इंसानियत है वो थोड़ी बहुत ज़िंदा है। तो वहाँ आज भी ना लोग जो है खून के रिश्ते ना होते हुए भी ना मतलब पड़ोसी को भी एक अपना रिश्ता ही समझते थे, अपने पड़ोस को भी अपना एक रिश्ता ही समझते थे। हालांकि वो बात अलग है कि आज ये जो घटना हुई है उसके बाद तो किसी भी रिश्ते पर या किसी पर भी भरोसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार है इस सब के लिए। जिस माँ का बच्चा गया उस पर क्या बीत रही होगी। मतलब एक होता है ना, आप में से जो भी माएँ होंगी वो ये चीज़ समझेंगी कि किस तरह से 9 महीने एक माँ इंतज़ार करती है, एक एक पल वो इंतज़ार करती है अपने बच्चे के सामने आने का, कि कब उसका जो बच्चा है वो उसके सामने आएगा, कब वो उसको अपनी गोद में उठाएगी, अपनी बाहों में लेगी।
और उसके बाद ना फिर ऐसे कहा जाता है, नॉर्मल जो लैंग्वेज है हमारे यहाँ तो उसमें ऐसे कहा जाता है कि बस बच्चा 4-5 साल का हो जाए वो पल जाए। मतलब 4-5 साल का होने से मतलब ये होता है कि बच्चा अपने खुद के जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो करना स्टार्ट कर ले। उसके बाद एक माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप सोचिए कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, जिसने वो 4-5 साल अपनी सारी ज़िंदगी उस बच्चे के ही इर्द गिर्द बस वो घूमती रही, उसी के लिए वो सब कुछ कर रही थी, और अचानक से एक दिन उसका वो बच्चा उससे हमेशा के लिए एक ऐसी जगह चला गया जहाँ से कभी आज तक तो कोई लौट कर वापस नहीं आया। ऐसे वक्त मतलब जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है ना तो दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल जो है वो उठता है कि सच में मतलब क्या हमारा समाज इतना ज़्यादा संवेदनहीन हो चुका है कि एक बच्चे पर भी तरस नहीं आता। मतलब मुझे नहीं पता कि जो असल जो दोषी है वो कौन है, वो तांत्रिक है या वो जो लेडी है जिसको कहा जा रहा है या जिसने कहा जा रहा है कि खुद से अपना जो गुनाह है वो कबूल किया है कि मैंने बलि देने के लिए उस बच्चे की जान ली। आपको पता है हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर पशु बलि भी गैर कानूनी मानी जाती है। आप किसी जानवर की बलि नहीं दे सकते हो क्योंकि उस जानवर में जान होती है। तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आपका एक बार भी अगर ये उस लेडी का काम है तो हमें तो यही सिखाया जाता है और सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने तो ये चीज़ खुद ऑब्जर्व की है, लाइक मेरी जो बच्ची है, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और दोनों ही अभी छोटे ही हैं। मेरा बेटा 7 साल का है, मेरी बेटी 5 साल की है, और शायद इसीलिए ये जो वीडियो है ना वो मैं बनाने पर मजबूर हो गई हूँ कि मुझ जैसी ना जाने कितनी माएँ होंगी जो आए दिन इसी डर में जीती हैं कि बस कैसे भी करके ना भगवान कैसे भी करके, क्योंकि आज हमारे समाज में हर दिन जो इस तरह की घटनाएं आती हैं ना तो बस एक यही डर होता है हर एक माँ के दिल में, जिसके छोटे छोटे या बड़े भी बच्चे हों, हर एक माँ के दिल का डर सिर्फ ये है कि भगवान कैसे भी करके ना बस हमारे बच्चे सही सलामत बड़े हो जाएं, वो जवान हो जाएं, उनकी जॉब्स वगैरह जो भी है वो अपनी फैमिली में सेटल्ड हो जाएं, और हमारे रहते हुए हमें ये ना देखना पड़े कि हमारा बच्चा हमारे सामने इस तरह से चला जाए। तो बस इस डर की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि एक लेडी मतलब एक लेडी या एक फीमेल को अगर आप लेकर के चले, मेरी बच्ची बहुत छोटी सी है लेकिन जितना प्यार उसके दिल में है ना उतना मेरे बेटे के दिल में शायद नहीं है। प्यार इन द सेंस कि जो केयर एक लड़की बचपन से करती है ना, हर किसी का ख्याल रखना, हर किसी को जाकर लाड़ करना, वो चीज़ें मतलब एक फीमेल के दिल में तो हम कहते हैं कि ममता बचपन से ही होती है। तो क्या उस औरत के दिल में इतनी सी भी ममता नहीं थी जिसने सामने एक छोटे से बच्चे को, जो खुद अपना गुनाह कबूल कर रही है कि उसने अपने हाथों से उस बच्चे की जान ली है, तो क्या उसका दिल मतलब कैसा दिल था जो उस बच्चे को देखकर वो बच्चा तड़पा भी होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, तो क्या उसका दिल एक बार भी नहीं पसीजा। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। समाज में बढ़ता हुआ अंधविश्वास, मतलब हमें ये लगता है कि हमारे मेहनत करने से कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये जादू टोने टोटके इन चीज़ों से कुछ भी किया जा सकता है। क्या सच में मतलब आज 21वीं सदी में जीते हुए अगर हम इन्हीं सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं तो हमारी सोसाइटी के एजुकेटेड होने का या हमारी सोसाइटी के डेवलप होने का कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं निकलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है जो कि हमारी सोसाइटी में हुई है, बहुत सारी ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं वो हर रोज़ हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। मतलब एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतने क्राइम्स हो रहे हैं, मतलब आपकी ना रूह कांप जाती है। अगर आप एक माँ हो ना, आप उस वक्त
आपको समझ नहीं आता है, आप अंदर तक कांप जाते हो जब आप सुनते हो ना, आए दिन न्यूज़पेपर भरा पड़ा होता है कि एक 4 साल या 5 साल की बच्ची के साथ में, मैं यहाँ वो शब्द नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आता कि उन लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है जो एक वो चीज़ें, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती हूँ, आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। सो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में बच्चे आज उतने सेफ हैं। अब तक हमें लगता था कि शायद गाँव का जो माहौल है वो अभी भी काफ़ी अच्छा है, बच्चा जो है वो अपने घर से बाहर निकलकर खेल सकता है। आप जानते हैं कहीं ना यही वो सारी चीज़ें हैं कि आज शहरों में ना आपका बच्चा, आप घर से बाहर निकलने नहीं देते हो। हाँ, ये आपकी मजबूरी है कि आपको बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप उसको अनपढ़ बनाकर घर में नहीं बैठा सकते हो। लेकिन आप ये उस माँ से पूछो जिस माँ का बच्चा सुबह स्कूल जाता है तो वो दोपहर तक बस इस चीज़ की दुआ मनाती है कि उसका बच्चा सही सलामत घर वापस आ जाए, वो कहेगी किसी से नहीं। लेकिन ये डर हर दिन, वो इस डर के साथ जी रही है क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर इन्हीं खबरों से भरा हुआ होता है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ, आप अगर कर सकते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बस आप इतना बताइएगा कि आपकी नज़र में जो है वो असली गुनहगार कौन है, वो तांत्रिक मतलब अंधविश्वास, या फिर रिश्तों में बढ़ती हुई जलन? क्योंकि यहाँ पर जस की जो माँ है उनका कहना है कि उस लेडी ने ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में उनके परिवार के साथ एक जलन की भावना थी। तो क्या एक ये रीज़न था, या फिर सबसे मेन रीज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा मेन रीज़न लगता है कि हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुका है, ना उसे कुछ सुनाई देता है ना उसे कुछ दिखाई देता है। हम सब इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि अब सिर्फ भगवान के भरोसे ही सब कुछ रह गया है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ आप लोगों से कहूँगी कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर करिएगा या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू गई होंगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको ऐसा लगेगा कि जो बातें मैंने कही हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है, अगर आप एक माँ हैं और आप भी इसी डर के साथ जी रही हैं, तो आप खुद इस वीडियो को शेयर करेंगी। तो बस बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 दिन से ना मैंने न्यूज़ में ये जो घटना है इसके बारे में सुना, लेकिन उसके बाद मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है तो मैं जब वीडियोस अपलोड करती हूँ, या नॉर्मली जो भी यूट्यूबर होंगे वो अब वीडियोस जो हैं वो ज़रूर चेक करते हैं यूट्यूब पे, तो पिछले 2-3 दिन से ना लगातार जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं वो सजेस्टिंग में आ रहे हैं, और जब उनको देखती हूँ तो अंदर से ना रूह कांप जाती है। मतलब ऐसे लगता है कि यार उस बच्चे की जगह कल किसी का भी बच्चा हो सकता है। मैं यहाँ आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ और ना मैं ऐसा चाहती हूँ, ईश्वर करे कि कभी भी किसी के भी बच्चे के साथ, किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा कभी ना हो। ईश्वर हम सबके बच्चों को लंबी उम्रें दे, लेकिन ये डर है, कहीं ना कहीं ये डर अब हमारे समाज का हिस्सा है। तो बस लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको मिलकर के ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी असली गुनहगार हो, जो भी इस गुनाह के पीछे की असली वजह हो, जो भी सच्चाई हो, वो जल्द से जल्द सबके सामने आए, और जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि इस घटना के बाद अगर कोई इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचे भी, उसका उस ऐसा कुछ करने का ख्याल भी अगर उसके मन में आए, तो उसको ये घटना और जो सज़ा दी गई वो याद करे, और वो कहीं ना कहीं उस, आप क्या कहूँ, उस गुनाह को करने से पहले वो रुक जाए। तो बस यही कुछ जो है वो मुझे कहना था इस वीडियो में। सोचा नहीं था कि ये वीडियो मैं इस तरह से बनाकर पोस्ट करूंगी, कुछ भी इसमें प्लान नहीं है, जो मन में आया है, जो मेरी
दिल की भावनाएं थी, बहुत कंट्रोल रखते हुए मैंने अपने आंसुओं को अपने अंदर रखते हुए ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है बोलना, लेकिन ज़रूरी है ये चीज़ें शेयर करना। तो बस यही सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक बस भगवान से प्रार्थना करिए कि हर बच्चा सुरक्षित रहे और ईश्वर हमारे समाज को सद्बुद्धि दे।